ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है। सबसे पहले हम बेसन लेंगे मिक्सिंग बाउल में। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चीनी लिया है। अब हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करना है, इसमें एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम, एक बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है बेसन को। इसमें एक भी लम्ब नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक बार में पानी नहीं डालना है, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा और उसमें बहुत सारे लम्ब आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसमें डालते जाना है, इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करना है, इसको मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा जो बेसन है अच्छे से फूल जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है, इसको अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा जो ढोकला है बिल्कुल आराम से निकल आए। ये देखिए हमारा ढोकले का जो बैटर है बिल्कुल रेडी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए। ये देखिए हमारा ढोकले का जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें लास्ट में 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। सोडा ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हमारा जो ढोकला होता है वो सॉफ्ट बनता है। तो हमें यहाँ पे सोडे को अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे हमारा जो बेसन है उतना ही हल्का हो जाएगा और ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए हमारा जो बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसको ढोकले के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ढोकले का बैटर सारा डाल देंगे और इसको अच्छे से हम टैप करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था पहले ही बॉईल होने के लिए। और देखिए पानी हमारा बॉईल हो गया है। मैंने यहाँ पे एक स्टैंड रखा है और ढोकले का बर्तन रख दिया है। मैंने यहाँ पे ढोकले को ढक करके 20 मिनट के लिए मैंने कुक किया था। अब मैं कढ़ाई का ढक्कन हटा के इसको चेक करूँगी कि हमारा ढोकला कुक हो गया है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक नाइफ़ डाल के चेक करूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और हमारा जो नाइफ़ है बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। तो हमारा जो ढोकला है वो कुक हो गया है और उसको कुक होने में 20 मिनट लगे हैं। इसको मैं निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। अब हम ढोकले में तड़के की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है। सरसों के दाने डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसको अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली डाली है, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और थोड़े से करी लीव्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पे पानी लिया है। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको उबाल आने देंगे। लास्ट मैंने यहाँ पे नींबू डाला है, नींबू डाल के गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी। और
और इसको मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे ढोकलों के ऊपर डालूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पानी हमारा ठंडा हो गया है। ढोकला भी हमारा ठंडा हो गया है तो मैं किनारों को नाइफ से स्क्रैच कर लूँगी ताकि ये आराम से निकल आए। अब मैं इसको प्लेट के ऊपर रख करके डीमोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं प्लेट लगा करके ढोकले को निकाल लूँगी इस तरीके से पलट के। ये देखिए बिल्कुल आराम से निकल आया है। ये ठंडा होने के बाद इसको निकालेंगे तो बिल्कुल आराम से निकल आता है। और देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं दूसरा प्लेट निकाल करके इसको सीधा कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए ढोकला कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं ढोकले को कट करूँगी। ये देखिए कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा ढोकला कितना सॉफ्ट है। मैं इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ, आपको जैसे भी पसंद हो आप इसको कट कर सकते हैं जिस भी शेप में। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमने ढोकले का जो घोल बना के रखा है उसको मैं ढोकले के ऊपर डालूंगी। ये देखिए ये जो घोल है इसको हम अच्छे से ढोकले के ऊपर डाल देंगे। ऐसा करने से हमारा जो ढोकला होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और खाने में बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं लगता। तो पानी को अच्छे से हम ढोकलों के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल बन के रेडी है। तो आप लोगों को ढोकले की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।